वेलकम टू टेक्नोकेज एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज एक और क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके सामने। आप क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस, यहां पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है एक्स, जिसको इनिशियलाइज किया गया है 5 से, और कंडीशन लिखी गई है एक्स इज लेस देन वन। इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन को करते टाइम गाइज हम लोग जल्दबाजी में ये जो सेमी कॉलन हम लोगों ने इफ के आगे लगाया हुआ है इसको देखना हम लोगों से छूट जाता है, रह जाता है, और हम लोग यहाँ कंडीशन चेक कर बैठते हैं जल्दी से कि 5 is less than equals to 1, कंडीशन फॉल्स है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नथिंग होगा यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी भी इफ कंडीशन के आगे सेमी कॉलन अगर हम लगा देते हैं तो गाइज वहां पर उस कंडीशन में आपका जो इफ स्टेटमेंट है, जो आपका इस इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होकर वहीं रुक जाता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होके वहीं पर रुक जाता है। अब चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनली एक बार एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद गाइज इस वाले लाइन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा। क्यों आएगा गाइज? क्योंकि अगर मैं इफ के आगे सेमी कॉलन लगाता हूं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस इफ कंडीशन का हिस्सा नहीं है, इस इफ कंडीशन का पार्ट ये नहीं है। किस कंडीशन में नहीं है गाइज? जब हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, तो अब गाइज ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब भी ये प्रोग्राम होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है गाइज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इफ मेरी कंडीशन ट्रू है या इफ मेरी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स में या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर आपका जो हेलो वाला प्रिंट एफ फंक्शन है ये 100% एग्जीक्यूट होगा, ठीक है गाइज। अगर मैं यहां पर इस सेमी कॉलन को हटा देता हूं तो उस कंडीशन के अंदर आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गाइज? क्योंकि मेरा एक्स है वो छोटा नहीं होता है वन से, तो उस कंडीशन में आउटपुट आएगा मेरा प्रिंट नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्लियर है गाइज। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। तो ये प्रोग्राम देखिए गाइज, यहाँ टाइप किया हुआ है और इसको हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए हमारा आउटपुट है वो हेलो आ गया है, हमारा आउटपुट नीचे आप देख सकते हैं हेलो आ गया है, ठीक है, बावजूद इसके कि इफ कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो भी मेरा ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों हुआ है गाइज? क्योंकि इफ के आगे मैंने सेमी कॉलन लगाया हुआ, और सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि इफ आपका वहीं पर टर्मिनेट हो गया है, इफ आपका वहीं पर इंटरनली उसने आउटपुट जनरेट कर दिया फॉल्स, फॉल्स के मतलब जीरो, जीरो का मतलब फॉल्स होता है हमारे सी लैंग्वेज में, ट्रू और फॉल्स कुछ भी नहीं होता है, ट्रू और फॉल्स कीवर्ड नहीं होते हैं, फॉल्स के लिए सी लैंग्वेज जीरो जनरेट करके देती है, ट्रू के लिए वन जनरेट करके देती है, ठीक है गाइस, फॉल्स के लिए जीरो और ट्रू के लिए वन जनरेट करके देती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से सेमी कॉलन हटा देता हूं और अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करवाता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया, हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कुछ भी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इफ के अंदर आएगा नहीं, इफ हमारी क्या गाइज यहाँ पर, इफ हमारी फॉल्स है, ठीक है गाइज। अब अगर मैं यहाँ पर जीरो कर देता हूँ एक्स की वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है 0 is less than 1, कंडीशन ट्रू होगी, अब ये इफ के अंदर आएगा और आने के बाद हेलो को प्रिंट करवा देगा, ठीक है गाइज, हेलो को प्रिंट करवा देगा। तो आई होप गाइज आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको उसका। गाइज मेरे वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज हो, डेवलप हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।